नबी जो आता करते हैं खाते भी दें तो हकीकत के बराबर है। ए मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों ने जब जब उनका नाम लिया है उन्हें बेसहारा और इस तरह से आवारा नहीं छोड़ा, बल्कि आका उस घर में जरूर तशरीफ लाते हैं। बल्कि बास औलिया कामिलीन फरमाते हैं, हुजूर को कहां पाओगे, हुजूर को ढूंढने का तरीका क्या है, वो कहां मिलेंगे। कितनी प्यारी बात, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, जब किसी का दिल बहुत टूट जाए तो देखना उस दिल में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, वहां हुजूर होंगे। और अक्सर हमसे होता यह है, दिल टूट जाने के बाद हम गम को हल्का करने के लिए पिकनिक पॉइंट चले जाते हैं, हम अपने गमों को हल्का करने के लिए इंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, और हम ये सोचते हैं बहुत ज्यादा टेंशन है, फला ने धोखा दिया है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। किसी के मरने का गम, किसी के लुटने का गम, इन तमाम गमों को हम इंटरटेनमेंट के सहारे से हल्का करना चाहते हैं। चलो किसी बीच पर चले जाएं, चलो कहीं किसी पार्क में बैठ जाएं, चलो कहीं किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं, या फिर लाओ कुछ सिगरेट पी लें, कुछ नशा करें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए। हमने तो यहां छोटा सुकून गमों के बाद, दिल के टूटने के बाद, एक आशिक रसूल अगर मुस्तफा को पुकारे तो उसी दिन उसकी मेराज की रात है, उसी दिन वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। बहुत सारे लोग इंतजार में रातें गुजारते रह गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर इंतजार के, कभी तकलीफ ज्यादा हुई तो हुजूर को उन्होंने देख लिया।